एक व्यक्ति था मेरे पास, मेरी टीम का, वो बाल भी मेरी तरह बनाता था, वो चश्मा भी मेरी तरह पहनता था। तो मेरे पास बीच में आया था कि मुझे पीडब्ल्यू कुछ इतना ऑफर कर रहे हैं, मैं चला जाऊं। तूने भी एक चीज़ बताई थी कि तू ऑल्सो यू अंडरस्टूड अबाउट पर्सनल बाउंड्रीज, क्योंकि तू अभी तक जब तूने अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी थी तू सबको अपने भाई की तरह देखता था, फैमिली की तरह देखता था, सब यूर जितने भी हैं सब अपने भाई बहन टाइप हैं। एंड तू उसके बाद भी यू नो ओवर द पीरियड टाइम यू रियलाइज कि बाउंड्रीज कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं तुम में और एक एम्प्लॉयज में, उस पर भी बात करें, वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। तो व्हाट आई लर्न्ड इवेंचुअली इज कि आप अपने आप को बहुत इजीली अगर अवेलेबल कराओगे तो पीपल स्टार्ट टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड। ये चीज मैंने नोटिस करी। एंड आप जो चीज बोलोगे उस चीज को उस सीरियसनेस के साथ मे बी ना देखा जाए जितनी सीरियसनेस के साथ आप देख रहे हो। फिर मैंने सोचा कि यार क्या उत्तर हो सकता है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। तो मैंने चार पांच बड़े ऐसे लोग पकड़े जिन्होंने 700-800 करोड़ कमा रखे हैं, और उनमें से कुछ ऐसे थे जिन्होंने एजुकेशन सेक्टर में अंदर थे। तो मैंने कहा ये ऑफलाइन इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, इनके नीचे भाई हैं 400-500, तो इन्होंने इतने कर रखे हैं, तो चलो पूछते हैं इनसे कैसे चलाते हैं। तो मतलब अगर वो डायरी होगी, यूजुअली मैं अपनी डायरी छोटी सी एक पास में रखता हूँ, एक बहुत ही छोटी डायरी है, अभी यहाँ पर नहीं है। तो मैं उसमें 10-12 क्वेश्चन लेके गया था, सबसे वही पूछे थे, और उनमें एक क्वेश्चन ये था कि एज अ फाउंडर इज इट इम्पॉर्टेंट कि आप रूथलेस हो। तो उन सबने बोला यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोले एक का मैं सीधा लैंग्वेज बताता हूँ कि मैं जब भी खेलता हूँ चढ़ के खेलता हूँ, मैं प्यार भी बहुत ज्यादा करूंगा पर मैं डांटूंगा भी बहुत अच्छे से। अगर मुझे दिख गया कि कुछ लेफ्ट राइट हो रहा है तो मैं बताता हूँ कि मुझे ये चीज पसंद नहीं है। एक और फाउंडर का इसी का मैं उत्तर बताता हूँ, उन्होंने कहा कि वी ट्रैक केपीआईज, केपीआईज आर की परफॉर्मिंग इंडेक्स। तो मैंने कहा व्हाट इफ किसी का केपीआई डाउन जा रहा है। बोले हम डाउन जाने नहीं जाते, जैसे ही डाउन जाना स्टार्ट होता है हम पहले ही बोल देते हैं भाई काम खराब हो रहा है, और जब बॉर नीचे गया तो वी रिप्लेस द पर्सन। मतलब ही वाह, वाज सो ब्लंट। मैंने कहा रिप्लेस कैसे करोगे बेचारा का, आपके पास जॉब छोड़ के आया है, अब उसे दूसरी जगह ढूंढना पड़ेगा, कैसे होगी वो चीज। तो उन्होंने कहा यार अमन तुम्हारे पास टाइम है इतना, एंड कि तुम 4 महीने 5 महीने एक व्यक्ति पे लगाओ कि वो इम्प्रूव हो जाए। फिर मैंने एक और फाउंडर से पूछा तो उसने मेरे को कहा कि अमन इट्स लाइक अ रिलेशनशिप, इन अ रिलेशनशिप अगर आप एक बैड रिलेशनशिप को ज्यादा खेचो 6 महीने 1 साल, और आप सोचो कि मैं इस पे एहसान कर रहा हूँ कि मैं इसे बाद में ब्रेकअप दे रहा हूँ, या नहीं आपने उसे 1 साल पहले दे दिया होता तो आपने उसको रिलीफ बेटर किया होता, क्या वो भी अपना बेटर देखता या इम्प्रूवमेंट करता और आप भी अपने रास्ते होते। इसी प्रकार से आप भी उन्हें जल्दी रिलीज करेंगे, दे'ल अपस्किल देम और कहीं ऐसी जगह पे होंगे जहाँ पे मे बी वो फिट हो सके। शायद हो सकता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में फिट ही ना हो पा रहे हो, या आप उन्हें अच्छे से ग्रोथ चैनल या गाइड ना कर पा रहे हो। एक और फाउंडर ने मुझे कहा कि अमन आपकी जिंदगी में आपकी ऑर्गेनाइजेशन में गुड पीपल विल कम, एंड आफ्टर 1 to 2 years 3 years फॉर वट एवर रीजन विच इज मे नॉट बी इवन इन योर कंट्रोल, वो आपको छोड़ के भी जाएंगे। अच्छे लोग आएंगे और आपको छोड़ के भी जाएंगे, पर कभी भी उसका दुख मत बनाना क्योंकि और अच्छे लोग आ जाएंगे। बट अ बैड पर्सन शुड नेवर स्टे। कोई आपको समझ में आ गया कि कोई खराब है वो स्टे करना चाहिए। फिर मैंने सबसे पूछा कि भाई ये खराब कैसे पता चलेगा कि ये खराब है या नहीं। तो एक फाउंडर ने मेरे को उत्तर दिया 3 चीजें नाप लेना अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक काम नहीं हो रहा है। पहला प्रश्न अपने आप से पूछो कि क्या मैन पावर प्रॉब्लम है, लेस मैन पावर हो सकता है, काम ही ज्यादा लोग चाहिए आपको। दूसरा प्रश्न अपने आप से पूछो लेस ट्रेनिंग, क्या आपने इस व्यक्ति को ट्रेनिंग ही नहीं दी कि काम करना कैसे है, काबिल व्यक्ति है पर आपने ट्रेन नहीं दिया तो इसे पता नहीं कैसे करना है। और तीसरी चीज आप इससे पूछो कि लेस टेक्नोलॉजी, कि आपने केपीआई इंडेक्सेस नहीं बना रखे हैं, या आप उसे टास्क असाइन नहीं कर पा रहे हो, आपने एक्सेल शीट्स वगैरह या ऐप इंटरनल ऐप नहीं बनाई जहाँ पे आप काम दे सको। अगर ये तीनों काम कर रखे हैं और फिर भी काम नहीं हो रहा है तो नियत में खोट है, नियत में खोट वाला व्यक्ति इज अ बैड फॉर योर कंपनी, को रिप्लेस करो। बोलो आप यार 100-150 लोगों की कंपनी चला रहे होते हो, 100-150 लोगों का घर चलता है, मल्टीप्लाई बाय सारे के घर में 3-4 लोग होते हैं, अगर उतने आप चला रहे हो तो किसी एक व्यक्ति की गलती से आप पूरा स्पोर्ट खराब नहीं कर सकते। और वहां पे अगर आप उसे रखते भी हो देन यू आर डूइंग इनजस्टिस टू हिम एंड टू द 150 पीपल 100 पीपल विच आर वर्किंग विद यू। तो ये कुछ लेसन थे, मतलब मेरे लिए बहुत मुश्किल है किसी को। अगर आप मेरे पास आओगे और बोलोगे अच्छा होली की छुट्टी 17-18 की है, क्या 19 और 20 को भी रख ले, मेरा होगा ठीक है रख लो यार ठीक है। मतलब मेरे से मना नहीं करा जाता था, अभी भी नहीं करा जाता। तो फिर मैंने एक बैड कॉप गुड कॉप होता है, आई आई ब्रॉट अ बैड कॉप इनटू द पिक्चर, अ पर्सन जिसने बहुत सारी चीजें मैनेज करी हैं। वो बैड कॉप, एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ मैं। ऐसा हुआ कि ऑफिस के अंदर है ना, हमने कुछ टाइमिंग सेट करे कि एक टाइमिंग सेट कर लेते हैं कि यार सुबह 10 बजे से लेके इस शाम तक हमें है ना ऑफिस के अंदर यही आना है, सुबह सुबह 10 बजे आ जाना। क्यों? क्योंकि टीचर्स और टीचर्स को एडिटर्स चाहिए, टाइपिस्ट चाहिए, सारे लोग एक टाइम पे हैं, अलग अलग पे आओगे सबको रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे।
और हमें भाई ऑफिस लेट नाइट तक ओपन करके नहीं रखना है, सुबह एक टाइम पे और एक टाइम पे आप चले जाओ, ओवर करोगे तो ओवर टाइम ले लेना, राइट। इस तरह का हमने कुछ बनाया। तो एक व्यक्ति आया और उसने बोला, पर अमन भैया ने तो कहा था कि आप 11-12 बजे भी आ सकते हो, थोड़ा बहुत लेट भी आ सकते हो। उस व्यक्ति ने कहा, अमन भैया ने कहा था, आज मैं ये कह रहा हूँ और 2 दिन बाद मैं कुछ और कहूंगा, तुम वो मान रहे होंगे। ये फर्मनेस अगर आपके अंदर नहीं है तो जितना मैंने सीखा है, देखो ये खराब लग रहा होगा सुनने में ऐसे कैसे, पर यहाँ पे हम कितने लाखों बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कितने आप कैसे सर्वाइव करोगे इसके अंदर, राइट। तो दे तो फिर भी यू नो एज आई लिसन टू यू, मेरे को लगता है तेरे अंदर बहुत इमोशनैलिटी है। यू सी एन ऑर्गेनाइजेशन अभी भी, यू सी इट विद अ लॉट ऑफ पल्स अटैच करके उसमें, तू उसकी ब्रेथ देख रहा है, उसकी सांसें देख रहा है, तू उसको एक लिविंग थिंग की तरह देखता है, तो तू केयर कर रहा है। एंड आई थिंक ऑर्गेनाइजेशन का पॉइंट ही यही है कि यहाँ पे सर्विसेज और गुड्स और कुछ चीज़ें चेंज एक्सचेंज हो रही हैं, आप जो आ रहे हो उसका आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आप यहाँ पे अपनी सर्विस दे रहे हो, आपका ये रूल्स हैं, यू नो एक ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स होने चाहिए इसमें। आई डोंट थिंक आई थिंक इसमें कोई बात भी नहीं है, एनी पर्सन जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रखा है, फिर जो भी कंपनी चला रहा है, फिर इसने पढ़ाई करी है कंपनी की, ये तो बेसिक एथिकल वो होती है कि यू कैन नॉट बी फ्रेंड्स, यू शुडंट बी फ्रेंड्स। यहाँ पे कोई काम करने वाला आ रहा है, और हेल्थी बाउंड्रीज इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट भी होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी वो निकलती हैं गाइडलाइंस की औरतों के साथ कैसे बात करना है, एंड उसके पीछे एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल रीजन है, क्योंकि जैसे अमन तू हटा दे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ओके मैं रन कर रहा हूँ, ठीक है, और उसमें है कि हम सब भाई बहन हैं, हम सब दोस्त हैं, और ये मैंने एक ट्रेंड चला दिया, फिर वो चला दिया कि यू नो माहौल है ऐसा। कल कोई सोचेगा कि मैं इसको पटा सकता हूँ, कल कोई उसको कहेगा आज क्या ड्रेस पहनी है तुमने, कितनी सुंदर लग रही हो। तो पॉइंट क्या होता है ना कि हम जो कैजुअल बातें होती हैं, घर वाली बातें होती हैं, मजाकिया बातें होती हैं, उसमें कई बार बाउंड्रीज डिफाइंड नहीं होती, और हम ये भूल जाते हैं कि इस स्पेस के अंदर इंसान एक्चुअल में हमारे साथ गपशप करने नहीं आ रहा। जो 45 लोगों की पर्सनैलिटी अलग है, हो सकता है 10 लोगों को बहुत मजा आए, 30 लोग हो सकता है एक्चुअल में, जैसे 10 में से 10 सिर्फ इंट्रोवर्ट हैं, दे एक्चुअली वांट टू कम प्लग इन एंड दे वांट टू वर्क। मतलब एक बार ऐसा भी कुछ इंसिडेंट हुआ था, और तब मेरे को समझ में आया, तभी उनकी एक इतने दिनों बाद, इतने महीनों बाद मेरे को क्यों ध्यान आया कि मुझे 4 बड़े फाउंडर से जाके बात करनी चाहिए जो कि 15-20 साल से ये काम कर रहे हैं। वो मैं इसलिए गया क्योंकि एक व्यक्ति जा रहा था, तो मैं पूछता हूँ यूजुअली आधा एक घंटा बैठा के कि भाई बताओ मैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या चीजें इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो काफी सारी चीजें सामने आई, तो क्योंकि व्यक्ति ठीक था, मेरे से ठीक थे, तो उन्होंने, उस व्यक्ति ने बोला भैया आपको कुछ लोग ग्रांटेड के लिए ले रहे हैं। मैंने कहा कैसे यार, ऐसा कुछ नहीं है, बताओ क्या। उस व्यक्ति ने बस अपनी कुछ चैट्स दिखाई, क्योंकि ये मेरे साथ बहुत बहुत सालों से था, तो वो चीज बड़ी शॉकिंग लगी। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एक व्यक्ति था मेरे पास मेरी टीम का, वो बाल भी मेरी तरह बनाता था, वो चश्मा भी मेरी तरह पहनता था, उसको मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर से पिक करके लाया था और उसको साथ में कर रहे थे, मैंने कहा था तेरा हाईएस्ट पैकेज में दिलवा दूंगा, तू आ मेरे साथ, दिलवा भी दिया वो अपने फाइनल ईयर में। अभी वो व्यक्ति जब थर्ड ईयर में था तब मेरे पास बीच में आया था कि मुझे PW कुछ इतना ऑफर कर रहे हैं, मैं चला जाऊं, मैं नहीं जाना चाहता, आप मेरा पैकेज इतना बढ़ा दो प्लीज। मुझे लगा यार हमारे तो टर्म्स अच्छे हैं, मेरे को लगता नहीं कि अप्रोच किया होगा, पर मैंने कहा मे बी नॉट, मैं ज्यादा उसको मैंने करा नहीं, मैंने कहा चल ठीक है कोई नहीं। वो व्यक्ति थोड़े दिनों बाद, कुछ महीनों बाद वापस आया, बोला अनअकैडमी ने मुझे इतना ऑफर दिया। मैंने कहा यार देख यार ऐसा है तो फिर चला जाओ, ये 4 times 5 times वाले तो मैं मैच नहीं कर पाऊंगा, अभी आप कॉलेज स्टूडेंट हो, मैं ऑलरेडी आपको आपके जो जनरल इंटर्नशिप होती है कॉलेज में उसके हिसाब से ठीक दे रहा हूँ, ठीक है, मतलब कॉलेज का थर्ड ईयर बच्चा है, 50,000 सैलरी ठीक होती है, मतलब ठीक होती है थर्ड ईयर स्टूडेंट के लिए। तो बाद में मुझे पता चला, वो जब उसने चैट दिखाई, वो व्यक्ति गया था उनके ऑफिस तक कि मेरे को दो, मैं वहां पे काम करता हूँ, मुझे दो, किसी ने बुलाया नहीं उसको, वो खुद गया है। फिर जिसने बूटस्ट्रैप बिजनेस चलाया था, मैंने कहा मेरे पास एक स्टूडेंट ऐसा था जो मेरे यहाँ काम भी करने आया, ऐसा क्या ऐसा होता है? उस व्यक्ति ने कहा 10 में से 9 लोग जो आपको कहते हैं कि मुझे किसी ने बुलाया है, अनलेस वो ऊपर के इंडिया के 2 EdTech स्टार्टअप में नहीं जा रहा है, देयर इज 90% प्रोबेबिलिटी कि वो खुद उनको अप्रोच किया है कि मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मुझे पता है हाउ दे ऑपरेट, वुड यू लाइक, लेवरेज कर रहे हैं वो तुम्हें। हाँ, तो दिस वॉज समथिंग कि आप किसी व्यक्ति को बहुत ट्रस्ट करो यार, जो चश्मा और बाल आपकी तरह बनाता है, जिसके आप साथ बहुत बैठे हो, जिसके साथ आपने, मतलब मैं उनके साथ शायद पीछे बाइक पे भी घूमने चला जाता था, तो आपके दिमाग में नहीं आता कि यार ये ऐसे पीछे से जाके गेम प्ले करेंगे।
देन आई थॉट कि यस वी नीड अ बैड कॉप इन द ऑर्गेनाइजेशन, समवन टू बैलेंस मी आउट, बिकॉज मेरे अंदर से नेचुरली नहीं आता, तो डजंट मीन कि अब सीखा नहीं, कोई नहीं, मेरी स्ट्रेंथ और है, मैं वहां काम करूंगा. माई स्ट्रेंथ स्केलेबिलिटी, हाउ वी कैन रन 7 चैनल्स, हाउ द कॉन्टेंट जो है उसमें क्वालिटी क्या डालना है, कितना एडिटिंग डालना है, कितना एनिमेशन डालना है, टीचर को कैसे प्रिपेयर करना है. एक एक महीने प्रैक्टिस कराते हैं सबकी कि ऐसे ऑपरेशन करो, उसके ऊपर मैं एनर्जी लगाता हूँ. लेट द ऑपरेशन थिंग, अदर थिंग वो किसी और के ऊपर डालते हैं. तो वो चीज मुझे काफी अच्छे से सीखने को मिलती है.